आम पहुँची जाइछु उड़ीसा झारसुगुड़ा ठारु कृषि विज्ञान केन्द्र सोलांग आम ये आसीछु झारसुगुड़ा आम ओडिशा रे की भावे एप्पल चास कमर्शियल रूपे करा जाई पारिबो तार गवेषणा पाई तार रिसर्च वर्क पाई आम ये आम देखा करिबो कृषि विज्ञान केन्द्र को डॉक्टर शर्मा सांगरे साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी शर्मा से आमको ट्रॉपिकल एरिया रे जो एप्पल होता ता भितर आम को जानकारी देवे आम कमर्शियली के प्रकार भाइबिलिटी हे से आज कहे एवं रिक्वेस्ट कर डीपी शर्मा जी आप हिंदी में बोलिए आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। मैं डॉक्टर धर्मपाल शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र सोलन का प्रमुख हूँ और यहाँ लगभग 1.5 साल से कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर देवश्लोक शर्मा जी का इतने दूर से जो उड़ीसा से आए हमारे पास हिमाचल आगमन पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में डॉक्टर सूरी साहब का भी जो हमारे बड़े वेटरन हैं और होम्योपैथ बहुत बड़े जाने माने क्षेत्र के होम्योपैथ हैं, इनका भी मैं केवीके के प्रांगण में ये पधारे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके सुपुत्र का भी साथ में अभिनंदन करता हूँ। जो आप मुद्दा लेके आए हमारे से जो जानना चाह रहे हैं उसके लिए आपका स्वागत है। आप जैसा आपने बताया कि केरल में भी सेब हो रहा है, उड़ीसा वाले भी कर रहे हैं, पंजाब में भी हो रहा है, दिल्ली वाले भी कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ज़्यादातर ये जो वैरायटी कर रहे हैं ये आना पे ही काम हो रहा है। कुछ लोग हरमन 99 की बात करते हैं, एक माया नेपल है जो हमारी कुछ इधर फिलीपींस वगैरह में और थाईलैंड वगैरह में जो एप्पल्स होते हैं वो लोचील एप्पल्स हैं, उन वैरायटीज़ को भी वहाँ से ले आ जा सकता है। पर अभी जो मुख्य तौर पर हो रही है वो आना और डॉर्सेट गोल्डन की बात हम करेंगे। ये लोचिल एप्पल है। लोचिल मीन्स जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। चिलिंग का मतलब होता है कि सर्दियों में जो हमारी सर्दी गुजरती है दिसंबर जनवरी का आपका महीना, उसमें कम से कम 4 से 7 डिग्री के बीच का तापमान 200-250 घंटे होना चाहिए, वो चिलिंग है। तो इन क्योंकि इन दोनों वैरायटीज़ की इतनी ही चिलिंग है, इतने में ही पूरा हो जाता है। जैसे हम हिमाचल कश्मीर की बात करते हैं, डिलीशियस एप्पल लगाते हैं, तो इनमें तो 1500, 1200, 1700, 800 ऐसी वैरायटीज़ है जिनकी चिलिंग है। तो ये जो सारी गेम है वो चिलिंग रिक्वायरमेंट की है। मगर समर्स आपके तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसलिए आपके यहाँ जैसा कह रहे हैं तो फ्रूटिंग हो रही है। मगर अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी को डिलीशियस के साथ या गाला के साथ, फ्यूजी के साथ कंपेयर करने वाली नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि आपके वहाँ अपना हो रहा है, निजी स्थान पे हो रहा है और फ्रेश आपको वहीं से फार्म से आके लोगों को कंजप्शन को मिल रहा है, ये एक एडिशनल पॉइंट अलग है। मगर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स तो इसके आपको देखने होंगे, उसका जो है मौसम का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। अभी तो जो भी इन लोग ला रहे हैं सब रूट स्टेम पर यूज किया गया रहा है, तो क्या M9 पर ये सब अन्ना वैरायटी को लगाया जा सकता है? देखो जो सीडलिंग रूट स्टॉक है वो ठीक है, हार्डी है, बहुत सारे क्लाइमेट में एक्लेमेटाइज भी हो जाता है और पर इस पे पौधा बड़ा रहता है। आपके जो पौधे होंगे उसका आकार बड़ा होगा और आपके शायद वहाँ लीफ फॉल भी नहीं हो रहा होगा। पत्ता झड़ता है कि नहीं? हाँ झड़ते हैं, झड़ रहा है, दैट्स गुड। इसका मतलब चिलिंग आपकी पूरी हो रही है। तो इसलिए चिलिंग हो रही है आपकी, तो इस वजह से आपका ये ठीक है सिस्टम, चिलिंग की वजह से ही आप कर पा रहे हैं। मगर हो सकता है जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं वहाँ इसका लीफ फॉल भी ना हो रहा हो। तो अगर लीफ फॉल हो रहा है तो ठीक है, ये टेम्परेट फॉल होता है और अभी पूरा डोरमेंट अवस्था में प्राय प्लांट आ जाती है, फिर ठीक है। फिर इसका जो साइकिल है जो डोरमेंसी में एप्पल जाता है टेम्परेट फ्रूट्स वो पूरा हो रहा है और ठीक है। इस वैरायटी के स्कोप है, क्वालिटी न्यूट्रिशन तो आपको देखना होगा कि जो हमारे दूसरे एप्पल है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अब रही बात रूट स्टॉक की, इस पे जो पौधा है आपका वो सीडलिंग पे जो जा रहा होगा वो काफ़ी बड़ा साइज जा रहा होगा। क्लोनल जो रूट स्टॉक है दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई अभी ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हाँ जी ये इशू जानना है। तो वो जब आप वहाँ ट्रायल करेंगे अलग अलग जगह पे तभी इस बात पे कंक्रीट हम कह सकते हैं, अदरवाइज जहाँ भी हो रहा है ये
टेम्परेट जोन में ही इसको लगा रहे हैं। इतना जरूर है कि आपका जो बड़ा साइज है उसका साइज भी घट जाएगा M9 के लगाने से, और साथ ही उसकी जो फलन की प्रोडक्टिविटी है, फल लगने की जो क्षमता है वो भी M9 के साथ बढ़ जाएगी। तो जनरली कॉमर्शियली अगर सोचा जाए तो M9 पर जाना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो पहले ट्रायल तो आपके यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनको करना चाहिए, या मल्टी लोकेशनल ट्रायल आप करवाएं अपने उसके माध्यम से जो आप कर रहे हैं। कंक्रीट तो तभी आएगी क्योंकि जोन बेस पे मतलब बिल्कुल हम ट्रॉपिकल में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी रिसर्च हमारी तो कंट्री में इसीलिए आने नहीं का हुई मुझे है। खास ये है कि M9 की रूट स्टॉक हमें थोड़ी 10-15 पीस चाहिए। रूट स्टॉक तो चलो देखते हैं, अगर होंगे तो सोचेंगे, 15 पीस रूट स्टॉक की क्या पोजीशन है वो देख लेंगे, परंतु ये है कि ट्रायल तो करने चाहिए। हाँ जी, उससे आपको फायदा होगा कि आप सघन खेती कर सकते हैं, थोड़े जगह में ज़्यादा बगीचे लगा सकते हैं और दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा। अगर फल बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी रूट स्टॉक पे सीडलिंग से अच्छी होती है, तो वो फ़ायदा आपको मिल सकता है, मगर परीक्षण के बाद ही जो चीज़ें निकल के आएगी उसी को हम तथ्य मानेंगे और वही सत्य भी होगा। तथ्य और सत्य दोनों तभी मिलेंगे जब ट्रायल होंगे। हम लोग थोड़ा सा फील्ड में आपके साथ, हाँ ठीक है, आपके आपको फील्ड दिखाएंगे। हालांकि हम यहाँ आना पे काम मतलब आना की नर्सरी तो हम तैयार करते हैं, पर हमारे पास चंद ही पौधे हैं जो हम मल्टीप्लाई करके लोगों को ही देते हैं। हम आना पे काम इतना बड़ा काम नहीं करते हैं, पौधे तैयार करके और अभी तक जो कर रहे हैं पौधे वो भी सीडलिंग पे। हाँ आना वो देखते हैं, आना की तो अब हमारे पास स्प्राउट हो गई, आना तो होने के बाद क्या नहीं लगती? नहीं नहीं, फिर तो सूख जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, इसकी जो जो कलम लगनी है वो तो आपकी डोरमेंट ही होगी, तब लगेगी। अच्छा, हाँ M9 देखते हैं अगर हमारे पास है तो। रूट स्टॉक ही लगा रहे, फिर अगले बार नहीं तो लगा। हाँ अगले बार ही होगा, कलम तो अगले ही, तो M9 लगा कर रख देते हैं। हाँ आपकी आपके जनवरी में ही लगेगा वो, तो जनवरी में ही आपका कलम लगेगी। अभी थोड़ी देरी हो गई है, अब लेट हो गए आप। ठीक है, लेट हो गए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। की बात हो रही है आज की डेट में, अगर हम US की बात करें, ये सब डिलीशियस आर्गन कलर रेड रख रहे हैं वो, पर टेस्ट और एरोमा डिलीशियस से बिल्कुल हट गई। तो ऐसा है, पर अब चलो अब सेव सेव का बुखार चढ़ा है तो। एप्रिकॉट, हम लोग दोनों दिन पर फोटो लो ये बोर्ड के पास से कैसे जाएंगे वहाँ पर। ले लिया हूँ फोटो, ले लिया। अभी सीडलिंग से वो जो सीडलिंग से जो ये प्लांट यूज कर रहे हैं, तो क्या हम M9 पर अगर यूज किया जाए या ट्रायल किया जाए या रिसर्च वर्क किया जाए, रिसर्च वर्क के अगर देखा जाए, तो क्या हम जो सीडलिंग से जो प्रोडक्ट मिलेंगे M9 वाला रूट स्टिक से कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे क्या, क्वालिटी कुछ अच्छा होगा? इसका ये फायदा है कि इसके पौधे आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लगा सकते हैं। सीडलिंग का पौधा तो बहुत बड़ा होता है ना, और इसको आप छोटे पौधे रहते हैं इसको और हाई डेंसिटी प्लांटेशन में यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो क्लोनर रूट स्टॉक्स होते हैं प्रोडक्शन पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कमर्शियल पर किया जा सकता है M9 पर? जी जी जी, ये मैं जानना। जी जी, और इसको आप नज़दीक पौधे लगा सकते हैं। सर आपका परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर DB शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस,
वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी।